क्लास नाइन्थ साइंस ग्रुप मैथ्स एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर वन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड सॉरी चेंज द फॉलोइंग टू। अब ये दूसरी एक्सरसाइज से कॉपी किया और फिर यहाँ पे वही चीज़, चेंज द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल टर्म्स। सो पार्ट वन है थर्ड रूट ऑफ -64। तो थर्ड रूट ऑफ -64 इक्वल्स टू थर्ड रूट ऑफ -64, तो इसे 1/3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी थर्ड रूट जो है इसका मतलब ही 1/3 पावर होता है। तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है 2/3/5, तो 2^3 को अलग कर लेंगे, 1/5 को अलग कर लेंगे, तो 1/5 जो है वो फिफ्थ रूट की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो फिफ्थ रूट ऑफ 2^3, तो -7 1/3 दैट इज़ माइनस कॉमन ले लें, और 1/3 को थर्ड रूट में लिखा जा सकता है। इसके बाद y^-2 को अलग कर लें और 1/3 को थर्ड रूट में लिखा जा सकता है, तो थर्ड रूट ऑफ y^-2 आ जाएगा। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो 5^1/5, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ 5 बनेगा, लेकिन आगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल के राइट साइड पे है, सो दिस इज़ फॉल्स। सेकेंड है 2^2/3 इक्वल्स थर्ड रूट ऑफ 4, तो बिल्कुल सही है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 4 का 1/3 जो है वो थर्ड रूट लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट 49 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7, दैट्स फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर रूट 49 सिर्फ 7 के बराबर होता है। तो 3^√x^27, तो अगर हम रेडिकल साइन को ख़त्म करके पावर 1/3 लिखें, तो 27 और 1/3 कैंसिल करने पे x^9 आता है, लेकिन यहाँ पे x^3 लिखा है, सो फॉल्स। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो थर्ड रूट ऑफ -125, तो -125 का अगर हम एलसीएम लें तो कुछ इस तरह से बनता है, -125 डिवाइडेड बाय -5, सॉरी यहाँ पे अब इस कैलकुलेटर में तो प्रॉब्लम ही है, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये कैलकुलेटर नहीं चलेगा। तो -5 इंटू -5 25, इंटू -5 -125, तो -5^3 इसे हम लिख सकते हैं, और रेडिकल साइन 1/3 बन जाएगा क्योंकि थर्ड रूट है, तो 3 को 3 से कैंसिल कर दें, -5 आ जाएगा। 32 का एलसीएम लें तो 2 × 2 × 2 यानी 5 × 2 बनेगा। अब यहाँ पे चूँकि 2^4 × 2 है, तो हम इसे 2^4 के साथ अलग से रेडिकल साइन लिख सकते हैं, और इसी तरह से 2 अलग से लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और ये कुछ है। थर्ड पार्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 3/32, तो फिफ्थ रूट ऑफ 3/32, तो दोनों पे हम रूट्स अलग अलग कर लेते हैं, तो फिफ्थ रूट ऑफ 3 लिख लेंगे, और नीचे 32 जो है वो 5 × 2 होता है, यानी 2^5 हो जाएगा, और रेडिकल साइन 1/5, 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और ऊपर फिफ्थ रूट ऑफ 3 उसी तरह से। इसके बाद फोर्थ पार्ट है -8 को हम पार्ट्स में लिख लेते हैं, -2 × -2 × -2,
और नीचे 3 जो है ये भी तीन पार्ट्स में आ जाएगा, 3 × 3 × 3, तो -2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ गया, होल पावर 3 लिख लें और रेडिकल साइन 1/3 में चेंज हो जाएगा, तो 1/3 और 3 कैंसिल होगा तो -2/3 आ जाएगा। सो दैट वाज एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम 9th क्लास साइंस ग्रुप। होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरे दोस्तों से शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।